हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको अपनी बहुत ही ज़्यादा दुख भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं कि हमारी बेटी जो कि 15 साल की है, अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि हम सब लोग घबरा गए और तुरंत उसको हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने बोला कि उसको जो है ऑपरेट करना पड़ेगा, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस ऑपरेशन के नाम से हम सब लोग डर गए कि अभी वो 15 साल की बच्ची है और उसको आखिर ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम सब लोग बहुत घबरा गए। 18 तारीख की सुबह हम गए थे, बिटिया को एडमिट करवाए हैं डॉक्टर के यहाँ। उसको 18 तारीख की 17 की रात में बहुत तेज़ से उसको बुखार आया, 103 डिग्री के आसपास उसको बुखार हुआ। और जब बुखार हुआ तो पास के ही क्लिनिक से वो दवा लेके आई और उसने दवा खाई। दवा खाने के बाद उसका फीवर तो उतर गया, लेकिन उसके पेट में बहुत तेज़ से दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना ज़्यादा शुरू हो गया कि वो रोना धोना शुरू कर दी और बहुत तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगी। तो 18 की सुबह 4 बजे हम लोग बिटिया को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे, तो जहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि 1 घंटे में अभी हम इंजेक्शन लगाएंगे और 1 घंटे के बाद बिटिया को आराम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो डॉक्टर ने वहाँ पर उनको इंजेक्शन लगाया और 1 घंटे के बाद आराम नहीं हुआ। फिर उन्होंने ग्लूकोज भी लगा दिया, बोले कि ग्लूकोज लगाए हैं, अभी हो सकता है इसको 2-4 घंटे में आराम हो जाए। करते करते 3 दिन इसी तरह हो गया, दवाई चढ़ती रही बराबर उसको, लेकिन उसका पेट का दर्द बंद नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी ब्लड की जाँच कराई जाए। ब्लड जाँच के लिए भेजा गया, तो वहाँ से जब जाँच की रिपोर्ट आई है तो उसमें निकला है कि डेंगू है बेटी को। डेंगू के बाद भी डेंगू का इलाज तो डॉक्टर ने शुरू कर दिया, लेकिन उसका पेट इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि डेंगू में पेट में दर्द तो होता है, लेकिन इतना अधिक दर्द नहीं होता है। उन्होंने फिर से एक्सरे कराए, पेट का एक पूरा एक्सरा हुआ और एक्सरे में भी कुछ नहीं निकला, पूरा अंधेरा अंधेरा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तो डॉक्टर ने कहा शायद ये गैस बनी हुई है जिस वजह से इसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन फिर भी दवाइयों से गैस की उन्होंने दवाइयाँ स्टार्ट की, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक बार इसका एक्सरा फिर से हो जाना चाहिए। तो दूसरे दिन हम लोगों ने उसका फिर से एक्सरा दूसरा करवाया, उसमें भी कुछ नहीं क्लियर हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब इसका सिटी स्कैन की जाँच जो होती है पेट की, वो सिटी स्कैन कराइए, उससे शायद पता चले। तो हम लोगों ने सिटी स्कैन भी कराया, उस पर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। तो डॉक्टर बोले कि शायद इसको अपेंडिस हो गया है। अपेंडिस के लिए उन्होंने बोला कि पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब हम सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि उसको मोशन भी नहीं हुआ था 4 दिनों से। तो बेटी की हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन अब उसकी सेहत में थोड़ा सुधार हुआ है। फ्रेंड्स, आप सब लोग देखिए, हम आपको पूरा दिखाएंगे। हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट हैं, आज 7 दिन हो गया है, 7 दिन से एडमिट हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है एकदम से। ऊपर वाला पता नहीं एकदम से क्यों परेशानी दे देता है। बिटिया हमारी अच्छी खासी थी, काम करती थी, दौड़ती खेलती थी, स्कूल भी जाती थी, 9th क्लास में है, और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। पहली बार उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है कि हम तो बहुत ज़्यादा डर गए हैं फ्रेंड्स। इसीलिए हमारा कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा था, इसीलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए कि बिटिया हमारी अभी भी एडमिट है। ये तेलीबाग है फ्रेंड्स, ये तेलीबाग के स्पर्श चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमने अपनी बिटिया का इलाज शुरू की करवाया है और यहीं पर हम 7 दिनों से एडमिट हैं। ये देखिए हमारी बिटिया की क्या कंडीशन है, नाक में नली लगी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि पेट में इन्फेक्शन हो गया है, जो कि इन्फेक्शन वो है तो वो नली के द्वारा सारा गंदा निकलेगा। तो देखिए कितना ज़्यादा हमारी बिटिया कष्ट झेल रही है, हम आप सब लोग को दिखा रहे हैं। ये नाक में नली लगी हुई है, इसके नली की वजह से इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो जैसे सर हिलाती है तो ये नली बहुत ज़्यादा उसको गड़ती है। ये पेट नाक से, नाक के रास्ते से पेट तक की नली पड़ी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा कष्टदायी है। और इसमें बैग लगा हुआ है, जो भी गंदगी होती है, गंदगी है वो नली के द्वारा बाहर निकल रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ये नली 3 से 4 दिनों तक लगी रहेगी। आप देख सकते हैं कितना गंदा सब निकल रहा है, पेट के अंदर का जो भी इन्फेक्शन है वो सारा नली के द्वारा निकल रहा है। बिटिया हमारी बहुत ज़्यादा परेशान है, आज 5 दिन से इसने कुछ भी नहीं खाया है। 17 की दोपहर में इसने खाना खाया था और आज 25, आज 23 तारीख है और 23 तारीख तक अभी तक इसने कुछ भी नहीं खाया है फ्रेंड्स।
इसकी ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जा रही है। ये देखिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सब लोग आ रहे हैं बिटिया को देखने। बिटिया की ये हालत है जो कि हमसे बिल्कुल नहीं देखी जाती है। उसका टाइम पास कराने के लिए हम उसको मोबाइल भी देते हैं, उसमें सॉन्ग कॉमेडी हमारी बिटिया को बहुत ज़्यादा पसंद है तो जो देखा करते थे, लेकिन अब आज ये कंडीशन है कि वो 2 मिनट मोबाइल भी नहीं पकड़ के सही से देख पा रही है और बहुत ज़्यादा परेशान है। फ्रेंड्स, डॉक्टर ने 3-3 बार अल्ट्रासाउंड करवाया है, 2 बार सीटी स्कैन करवाया है, 1 बार एक्सरा भी करवाया है, लेकिन अभी उनको क्लियर नहीं हो पाया है कि हमारी बिटिया को क्या हो गया है, पेट में कौन सी प्रॉब्लम है। उनका मानना है, उनका सोचना है कि शायद ही इसको अपेंडिस हो गया है। तो मैंने कहा कि अपेंडिस हो गया है सर, तो इसको जांच में ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा हम ऑपरेशन करेंगे तभी क्लियर होगा कि इसके पेट में क्या है। तो मैंने बोला है कि नहीं, मुझे इस तरह से ऑपरेशन नहीं करवाना है, जब तक रिपोर्ट में कुछ क्लियर नहीं दिखाई देगा तब तक मैं अपनी बिटिया का ऑपरेशन नहीं करवा सकती। तो आप सब लोग देख रहे हैं कि आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या मेरा फैसला सही है। मैंने कहा है डॉक्टर से कि बिना रिपोर्ट में कुछ दिखाई दिए या कुछ क्लियर हुए, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं ऑपरेशन नहीं करवाने दूंगी। डॉक्टर ने बोला है कि ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो हम नहीं करेंगे ऑपरेशन, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि आज नहीं तो 6 महीने बाद या 1 साल के बाद आपके साथ फिर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने ये भी कहा है कि अगर दोबारा प्रॉब्लम होगी तो उसका देखा जाएगा, लेकिन आप अभी इसका ट्रीटमेंट करिए, लेकिन हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। उन्होंने पहले बोला था कि बिटिया को मोशन नहीं हो रहा है, गैस नहीं पास हो रही है, तो इसलिए ऑपरेशन करना ज़रूरी है, लेकिन 22 की रात में इसको मोशन भी हुआ है और इसकी गैस भी पास हुई है। उसके बाद भी डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं अभी भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने मना कर दिया है। फ्रेंड्स, आप सब लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैं जो भी मेरा डिसीजन है, जो हमने फैसला किया है, क्या ये सही है या हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अभी इतनी छोटी सी उम्र में किसी भी तरह का ऑपरेशन करवाना चाहिए। जब ज़्यादा ही सीरियस केस होता है उस टाइम तो सोचा ही जाता है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन में कुछ नहीं, सॉरी, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इसको अपेंडिस हुआ है या पेट में किसी भी जगह पर इन्फेक्शन है। तो और डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम इसको पहले ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, खोलेंगे पेट को, तभी हम जान पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे ये बात सही नहीं लगी, इस वजह से मैंने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया है। फ्रेंड, ये तेलीबाग का ईश्वर हॉस्पिटल है जहाँ पर बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, 0 से लेकर के 18 साल के बच्चों तक का यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, मैं यहाँ 7 साल से आती हूँ, अपने बच्चों का ट्रीटमेंट मैं यहीं से कराती हूँ। डॉक्टर भी अच्छे हैं यहाँ के, इन पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन ये बात मुझे थोड़ा समझ नहीं आई, खटक रही है कि जब तक रिपोर्ट में कुछ नहीं दिखाई दिया, रिपोर्टें नॉर्मल हैं, तो ये ऑपरेशन करने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं काफ़ी परेशान हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा फैसला सही है या गलत है, क्या मुझे बिना कुछ समझे, बिना जांच में कुछ आए, जांचें नॉर्मल हैं, तो इस कंडीशन में क्या मुझे ऑपरेशन करवाना चाहिए। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये देखिए कितनी ढेर सारी दवाइयाँ हैं, एकदम से इतनी सारी दवाइयाँ शुरू हो गई हैं। फ्रेंड्स,